जम्मू में 5 अगस्त के उपलक्ष्य पर भाजपा के सीनियर नेता और पार्षद संजय कुमार बडू ने पार्षद नीलम नर गोत्रा के साथ मिलकर बोड़ी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता सत शर्मा जिला अध्यक्ष के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की है। सत्तर की एब्रोगेशन के बाद 35A के हटने के बाद 2 वर्ष का अंतराल हुआ है, उसे बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। हम सब जानते हैं कि 370 आज़ादी के बाद एक ऐसा लम्बा था जिसने हमेशा से डेवलपमेंट के कार्यों में जो थे वो रोड़े अटकाए। 370 हटने के बाद पूरे देशभर में एक ऐसा वातावरण बना है, आज लगता है कि सही मायनों में आज़ादी 2 वर्ष पूर्ण मिली थी। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जम्मू कश्मीर का विलय हुआ, लेकिन 5 अगस्त आज से 2 वर्ष पूर्व 370 का हटना, 35A का हटना और जो एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉज हैं पूरे के पूरे भारतवर्ष के लॉज आज जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल हैं। गोरखा समाज को उनका हक मिला है, वाल्मीकि समाज को हक मिला है और सबसे बड़ी बात जो है हमारी बहनें जो शादी करके यहाँ से चली जाती थी जम्मू कश्मीर के बाहर, उनका उनका हक जो था वो छिन जाता था, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ वो हक भी उनको वापस मिला है। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ नरेंद्र भाई मोदी जी का, अमित शाह जी का, जिनके माध्यम से 370 गया और आज हम सब जम्मू कश्मीर के इस ऐसे वातावरण में जहाँ पर आतंकवाद का लगभग पाया हो चुका है, अलगाववाद समाप्ति की तरफ अग्रसर है, ऐसे समय में एक ऐसा वातावरण जम्मू कश्मीर में बना है जिस सब के लिए देश का जो प्रमुख नेतृत्व है वो बधाई के पात्र हैं। मैं हमारे आलमगढ़ कारपेंटर संजय बडू जी का, हमारे जिला के अध्यक्ष अमरीश पिंडिया जी का, हमारी आलमगढ़ कारपेंटर नीलम जी का, देशक जी का और पूरी टीम का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आज भारत माता का ध्वजारोहण करके